ताजमहल और उसके आसपास लगे हुए कैमरों के संबंध में और वहाँ के जो बोलार्ड लगे हुए हैं, रूम बैरियर लगे हुए थे, उनकी स्थिति चिंताजनक थी। इसको लेकर एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें हमारे टीटीजेड के माननीय अध्यक्ष आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि इसमें सचिव आगरा विकास प्राधिकरण, एडीएम सिटी, डिप्टी डायरेक्टर पर्यटन और जो वहाँ के स्थानीय पुलिस हैं, सीओ ताज साहब, ये सब लोग मिलकर एक बार विजिट कर लें। और जो कार्यदायी संस्था जिसके द्वारा ये सब कार्य कराए गए हैं, कैमरे लगाए गए हैं, बोलार्ड बैरियर और ये सब लगाए गए हैं, उनसे एक बार बैठक आयोजित करके ये जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि कितनी चीज़ें इस समय क्रियाशील है और कितनी अक्रियाशील है। और इसी के साथ साथ ये भी कि चूँकि ये सारे इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, तो इनको इंस्टॉल करने के बाद इनका रेगुलर एनुअल मेंटेनेंस भी रहे कि जिससे कोई कमी आवे तो उसको लगातार ठीक किया जा सके। इन सारे बिंदुओं पर लेकर एक बैठक की गई थी और भ्रमण किया गया। कितने सर कैमरे बंद मिले थे उस समय निरीक्षण में? हमारे अंदर के सारे कैमरे क्रियाशील हैं, जो ताजमहल के भीतर परिसर में लगे हुए, जो बाहरी क्षेत्र में जो लगे हुए हैं उसमें हमारे टोटल 140 कैमरे हैं, जिसमें से 52 क्रियाशील पाए गए हैं।